खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां नोहर में वार्ड नंबर 38 से 39 में पट्टे बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार सैनी के नेतृत्व में वार्डवासियों ने नोहर नगर पालिका के समक्ष धरना शुरू कर दिया। इससे पूर्व नागरिकों ने नगर पालिका के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने के तीसरे दिन राजकुमार सैनी ने बताया कि वार्ड नंबर 38 और 39 की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 38 और 39 में नगर पालिका द्वारा काटे गए प्लॉट के पट्टे जारी करने, नेहरू नगर के प्लॉटों के पट्टे 500 रुपए में देने, विभिन्न गलियों में सड़कों का निर्माण करवाने, कॉलेज रोड पर बोर का निर्माण करवाने, भादरा रोड से सिंचाई कॉलोनी तक डामरीकरण रोड बनाने, मर्दा पार्क में हॉल का निर्माण करवाने, वार्ड नंबर 39 में सभी नालियों पर लोहे के जालियां लगवाने, सफाई कर्मियों को सफाई में प्रयुक्त सामान रिक्शा कसीवा बटल आदि उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न मांगों के समाधान की मांग को लेकर धरना शुरू किया गया है। राजकुमार सैनी ने बताया कि जब तक सभी मांगों का समाधान नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर अनेक वार्डवासी मौजूद रहे। क्या मांगे हैं, कितने दिन हो गया आज धरने को? धरना नहीं, ये आमरण अनशन चल रहा है। आज इसका दूसरा दिन है। 17 तारीख कल से ये अनशन प्रारंभ किया गया था। इसकी मुख्य मांग नेहरू नगर के पट्टों की है, जो कि नगर पालिका नोर द्वारा सन 1976-77 में अलॉटमेंट किए गए थे गरीब बस्ती को, जिनके पट्टे आज तक नहीं बन रहे हैं। जिनके नाम से अलॉटमेंट हुआ था उनकी लगभग मौत हो चुकी है और उन्होंने आगे अपने प्लाट बेच चुके हैं। वो उनकी चेन हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक तरफ तो अशोक गहलोत सरकार कह रही है कि 501 में पट्टा ले जाओ, यहाँ 5,000 रुपये देने में पट्टा नहीं बन रहा है। और काफ़ी सालों से हम चक्कर काट रहे हैं। 2012 में मैंने 2 फाइलें लगाई थी जिसमें एक का पट्टा बना है और एक का अभी भी बाकी है। उसकी रसीद भी कट चुकी, अखबार में विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी, लेकिन आज तक पट्टा नहीं बना है। हम नगर पालिका के चक्कर काट काट के बहरे हुए हैं। हमने जयपुर तक शिकायत की है, लेकिन सरकार के और प्रशासन के कान के अंदर जूं तक नहीं रहेंगी। प्रशासन की हठधर्मिता जारी है। क्या मुख्य मांगे सर, किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हो? मुख्य मांग, मेन जो मांग है वो हमारे नेहरू नगर के अंदर नगर पालिका द्वारा 1976 के अंदर काटे गए प्लाटों के पट्टों की मांग है। तो प्रत्येक व्यक्ति से 40-45 हज़ार रुपया वसूला जा रहा है नगर पालिका के अंदर, और रावथर और भादरा और तारा नगर के अंदर 501 रुपये में पट्टा दिया जा रहा है। तो ये हमारी मांग है कि 501 में हमारी गरीब बस्ती है, उसको 501 में ही पट्टा दिया जावे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, जब तक हम आमरण सन पर बैठे हैं। आज दूसरा दिन है, भले 10 दिन लगे भले 5 दिन लगे, जब तक मांग पूरी नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी भी नहीं है, चेयरमैन महोदय मोनिका जी कटौतिया भी नहीं है। मोहल्लावासियों ने सभी मोहल्लावासियों ने मेरे को समर्थन दे रखा है। मेरे को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ना मैं घबराता हूँ। ये मेरा पहला प्रशासन ये सोचती होगी कि मेरा ये पहला धरना है। मैं धरना भूखर दाल का बहुत लगाया हूँ, लेकिन जब तक मांग मेरी पूरी नहीं होगी, पट्टे 500 रुपये एक में नहीं देंगे जब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। सर, आपने इस समय पहले प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करवाया? बिल्कुल, बार बार अवगत करवा दिया नगर पालिका में। मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन की मेरे पास फोटो कॉपी भी पड़ी है 2 सालों से। और वैसे मैंने नगर पालिका के अंदर कई फाइलें 2012 के अंदर जो कैंप लगा था प्रशासन शहरों के संग, उसके अंदर भी मैंने 2012 के अंदर नगर पालिका के अंदर जमा कराई थी। लेकिन कभी कोई ये कहते हैं फाइल गुम हो गई, कभी कहते हैं इसका बनता नहीं है, कभी ये कहते हैं कि ये मूल व्यक्ति को लेके आओ। तो हम जब व्यक्ति मूल बेचने वाला आज 1976 में कटे थे वो बहुत हो गए, कोई बेच कर चले गए, हम उनको कहाँ से लेके आए। इसलिए हमारी को ये मांग है कि भी हमारे पट्टा बिल्कुल जारी होना चाहिए। जायज मांग है मेरी, जायज मांग के लिए मेरे मोहल्लावासियों ने मेरे को समर्थन दे रखा है। जब तक मैं नहीं हिलूंगा, जय हिंद जय।